fingers crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. Why? ये है मेरी लास्ट ईयर की कुछ क्लिप्स जब मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, और ये सारी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। लेकिन इसे फिर से शुरू करना पड़ा क्योंकि अभी मैं अपने गोल तक नहीं पहुंची थी, और ये सब मैं इसलिए कर पाई क्योंकि मैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकली। और ये है मेरी आज की हेल्थ कंडीशन। पहली बात तो यह है कि मेरा वेट काफ़ी कम हुआ है और वो विजिबल भी है, आप लोग देख भी रहे हो। तो कैसे किया है, तो चलिए आज इसी को मैं बता रही हूँ, तो शुरू करते हैं। वेट लॉस के बारे में बात करने से पहले एक हेल्दी लिविंग के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, ये केवल हमारा वेट ही कम नहीं करता बल्कि हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, और सबसे बड़ी बात, हमें मेंटल केयर देता है, मेंटल क्लैरिटी रहती है, और जो भी बीमारी होने का रिस्क होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यानी वजन हमें इसलिए घटाना है ताकि हम हेल्दी रह सकें, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मूंग की दाल की स्प्राउट्स मैंने भिगो के रख दी है। बगैर खाने पे कंट्रोल किए हम वजन को नहीं घटा सकते हैं। मैंने क्या किया, सब कुछ मैं खाती हूँ, बस मीठा हुआ, ऑयल हुआ, मैदा हुआ, ये सारी चीज़ों को दूर रखती हूँ। लेकिन जितने भी फूड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं और हेल्दी फैट्स हैं, इन सबको मैं लेती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, लिक्विड अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है, ये तो हम सब लोगों को पता ही है। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। और इसके ऊपर मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं इस टाइम ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, ये सुबह का टाइम है, तो मैंने देखिए स्प्राउट बनने के लिए रख दिए हैं, और जो मूंग की दाल थी उसे मैंने पीस लिया है, जो भीगी हुई मूंग की दाल थी, साबुत मूंग की दाल, और उसमें मैंने कुछ सब्जियां और मसाले डालकर मैं अपने लिए कुछ तैयार करूंगी। यानी जब कभी भी आप वेट लॉस के बारे में बात करें तो बहुत क्रिटिकल चीज़ों के बारे में ना सोचें जो हमें खानी है, नहीं तो कभी हमें वो चीज़ मिलेंगी नहीं और हम खा भी नहीं पाएंगे। जो भी घर की चीज़ें हैं उनको बनाइए, बस ऑयल को आपको हटा देना है। आजकल की जो हमारी लाइफ है ना, वो बहुत ही फास्ट पेस्ड है, मतलब तेजी से भरपूर। तो इसमें जो हम डाइट लेते हैं उसमें बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है, जो डेली का खाना है, जैसे मिनरल्स हुए, विटामिन्स हुए, जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो इस गैप को भरने का सबसे इफेक्टिव और कन्वीनियंट वे है कि हम अपनी डाइट में शामिल करें कुछ मल्टीविटामिन, जिससे जो एसेंशियल चीजें हैं, जो वाइटल विटामिन और मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी तक पहुंच सके। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल चीज, और वो है फाइटिका मल्टीविटामिन, यानी ये है फाइटिका बीटा 365। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो फाइटिका मल्टीविटामिन है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल वेलबींग में। फाइटिका मल्टीविटामिन एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है दैट कंटेन्स वाइड रेंज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो बताऊं इसमें क्या क्या है, इट इंक्लूड्स प्रोबायोटिक्स, विटामिन B12, सी, D3E, जिंक है, बायोटिन है, मिनरल है, जिनसेंग, अश्वगंधा एंड मेनी मोर। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ फाइटिका मल्टीविटामिन के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे टॉप पे मैं आपको बताऊं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, और वो है कि ये सपोर्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। दूसरा है कि ये बूस्ट करता है आपकी एनर्जी को, स्टेमिना को, नरिश करेगा आपके हेयर्स को, स्किन को और नेल्स को, और जो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम है बहुत लोगों की सुनती हूँ, तो ये स्ट्रेंथन करता है डाइजेशन को। इसके अलावा रिड्यूस करता है फैटीग को और बूस्ट करता है वाइटैलिटी को। फाइटिका मल्टीविटामिन को अपने डेली रूटीन में शामिल करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली लेना है एक टैबलेट अ डे आफ्टर योर मील्स, और इट कम्स इन अ ग्रेट वैल्यू पैक एंड इट इज एन एसेंशियल टूल फॉर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। और आप लोग मेरे एनर्जी लेवल के बारे में जैसे बात करते हो, तो फाइटिका मल्टीविटामिन को लेने से थ्रू आउट द डे जो मेरी एनर्जी है वो मतलब मेंटेन रहती है, मतलब बड़ा एनर्जेटिक सा फील होता है। और अगर इसे रेगुलरली अगर आप लेते हैं तो आपकी स्किन भी आपको ज्यादा जो है वाइब्रेंट नजर आती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई एक कन्वीनियंट और इफेक्टिव वे देख रहे हैं अपनी हेल्थ को और अपनी वेलबींग के लिए, जो कि रियली बहुत इफेक्टिव हो, तो आप फाइटिका मल्टीविटामिन को ट्राई कीजिए। और ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हेल्दी डाइट का, बल्कि ये एक वैल्यूएबल एडिशन है आपकी डाइट में। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे ट्राई दे सकते हैं।
मैं ब्रेकफास्ट के टाइम ही पूरे दिन की अपने खाने की तैयारी करके रख देती हूँ जो मुझे खाना है। तो दिन में कभी भूख लगे तो फ्रूट्स लेने हैं या ये काले चने मैं भिगो के रख देती हूँ, बॉयल करके रख लेती हूँ। जब भी भूख लगती है तो इन्हें खाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैंने क्या किया, जो मूंग की दाल पीसी थी उसका एक चीला बना लिया है और थोड़ा सा मैं जूस निकाल लूंगी। और ये कभी कभी तो मैं इवनिंग में भी लेती हूँ, नहीं तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं स्मूदी बना लेती हूँ। यानी मैं जब ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं कुछ भी ऑयली तो नहीं लेती, लेकिन कुछ ऐसा खाती हूँ जिससे मुझे काफी देर तक भूख ना लगे। और अपने लिए भून के रखती हूँ मखाने और मूंगफली, ताकि जब भूख लगे ना तो मैं उन्हें खा सकूँ। और जो एक बहुत जरूरी चीज मैं करती हूँ और वो है ग्रीन टी। आप लोगों को पता है कि मैं इसे पीती हूँ, पूछा था आप लोगों ने, तो दिन में 3 बार लेती हूँ। और आजकल तो मैं कोई भी फ्लेवर की ले लेती हूँ, जैसे आजकल तुलसी वाली ग्रीन टी मैं पी रही हूँ। और हाँ, दिन में 3 बार। देखो खाना बन गया। खाने में बनी है भिंडी की सब्जी है और सैलड्स वगैरह है। ये थोड़े से मिर्च और करौंदे होते हैं, वो छौके हैं, देखिए बड़े टेस्टी लगते हैं ये खाने में। और इसके साथ है दाल। ज्यादातर लंच मेरे घर में बहुत ही सिंपल और सादा बनता है और मैं उसी को खाती हूँ, अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बनाती, क्योंकि मुझे हमेशा ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखती हूँ कि जो भी मैं खाती हूँ उसमें थोड़ा कम करती चली जाऊँ। शुरुआत में हम डाइटिंग इसलिए नहीं कर पाते कि भूख लगती है, लेकिन जब आप इसे प्लान्ड वे में स्टार्ट करेंगे ना तो धीरे धीरे अचीव कर लेंगे। यानी खाने को धीरे धीरे कम करना है। जैसे मैं डिनर नहीं करती हूँ तो शुरुआत में जब भूख लगती है तो कुछ अपना और स्नैक्स खा लेती हूँ, जैसे आपको बताया था कि मैं लेज खा लिया करती हूँ ताकि मुझे खाने की आदत छूटे। लेकिन हाँ, आप कुछ हेल्दी ऑप्शन लीजिएगा और धीरे धीरे करके पोर्शंस को कंट्रोल करिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो वजन घटाने के लिए ना खाना खाना छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत और अनहेल्दी है। अगर आपको वेट लॉस करना है हेल्दी वे में तो एक्सरसाइज करिए। और इससे पहले एक्सरसाइज, जैसे अब जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे मैं बताऊं, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है एरोबिक्स। एरोबिक्स में थोड़ा सा डांस डाल के जो एक्सरसाइज होती है उससे जो हूँ मैं एक तो खुश होके करती हूँ और दूसरा उससे मेरा वेट बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस तरह से आप भी देखिए कि आपके लिए क्या फिट बैठता है। और मुझे ऐसा लगता है डांस करना एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। और अपने लिए बनाने चाहिए हमें रियलिस्टिक गोल्स, मतलब जैसे जो भी फिटनेस गोल्स आप अचीव कर सकें, धीरे धीरे कर सकें। जैसे जब कभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आज ही हमारा सारा वजन कम हो जाएगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करें तो उसके बाद फील करिए कि आपको बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का सा, बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है। हाँ, थोड़ी सी थकान होती है, लेकिन दिन पर दिन आप ये देखते जाएंगे कि आपको एक्सरसाइज करने की इतनी आदत पड़ जाएगी कि आप अगर बीमार भी होंगे ना तो भी आपको मन करेगा चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये नतीजा होता है जब आप खुश होकर एक्सरसाइज करते हो। जैसे मैंने कहा कि डांस करके एक्सरसाइज करना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और इसमें हम सबसे ज्यादा कैलोरीज खर्च करते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और, हमेशा हमें कंसिस्टेंट रहना है। यानी कि जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं, आज जितनी करते हैं वो हमेशा हमें करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में 4 बार करीब 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज सबसे बढ़िया होती है। तो हर तरीके की एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, पिलाटस की एक्सरसाइज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और इसमें मुझे, मतलब पसंद का मतलब इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें मेरा वेट सबसे ज्यादा रिड्यूस होता है और इसमें मैं सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारी एक्सरसाइज कुल मिलाकर मुझे अपने वेट लॉस में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। यानी अगर आपकी 30% डाइटिंग है ना तो कम से कम 70% आपकी एक्सरसाइज एक रोल प्ले करती है। घर के काम करना और घूम लेना ये कोई एक्सरसाइज नहीं होती, जैसे हम वॉक कर आए, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक थका देने वाला वर्कआउट करना ही एक सही एक्सरसाइज होती है। कुछ भी चेंज होने में ना टाइम लगता है। ये कोई हमारी बॉडी कुछ ऐसा तो नहीं है कि बस हमने इसमें से फैट काट दिया और हमारा वजन कम हो गया।
तो अपनी इस वेट लॉस जर्नी में थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें और तब आपका वजन कम होगा। एक गोल बनाएं, एक साल का, महीनों का, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि वेट एक जगह पे आके बिल्कुल रुक जाता है, जैसा कि मेरे साथ पिछले करीब 15 डेज से हो रहा है और मेरा वेट एक ही जगह पे टिका हुआ है। लेकिन ये वही मैंने कहा ना, ये कोई मशीन तो है नहीं जिसमें कि हम एकदम से सोचें कि वजन कम हो जाए। और मैं ना अपना वेट लगातार डायरी में नोट करती हूँ, तो कई बार तो 15 डेज तक सेम वेट चलता है, लेकिन जिस दिन भी कम होता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और मैं सेलिब्रेट करती हूँ, थोड़ा सा अपना मनपसंद चीज़ खा लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा वज़न कितना कम हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्ट्रेट जब कुर्ती पहनती हूँ तब पता चलता है कि वेट कम हुआ है। ये बहुत ही टाइट कुर्ती थी मेरी, मैंने पहननी इसे काफ़ी दिनों से छोड़ दिया था, बहुत टाइट थी और टाइट कपड़े मुझे पसंद नहीं है। लेकिन देखिए मेरा वेट कितना कम हुआ है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरा वेट कम हुआ है वो बिल्कुल पक्का 6 kg से ज़्यादा कम हुआ है, बट मैं आपको 6 kg बता रही हूँ। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखूँ जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहें। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं रात को अगर मेरी आंख खुल गई तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है, मतलब मैं जागती रहूंगी, और ये ऐसा खासकर तब होता है जब मैं टाइम पे नहीं सोती हूँ। यानी कि टाइम पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनफ रेस्ट नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है सही से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो सोने के दौरान जब हम नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी ना रिपेयर होती है, रीजनरेट होती है, और लैक ऑफ स्लीप जो होती है ये एक इम्बैलेंस्ड हार्मोन्स को जन्म देती है। मतलब ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं और इससे ना हमारी जो क्रेविंग्स होती हैं वो अनहेल्दी फूड्स के लिए बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करिए करीब 7 से 9 घंटे की एक क्वालिटी स्लीप लेने की। तो मैं भी देखिए अपना टाइम पे सोती हूँ और सुबह बहुत ही जल्दी उठती हूँ। ये नियम तो आप लोगों को मेरा पता ही है, क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं स्ट्रेस होगा जिससे हमारा वजन बढ़ेगा, और फिर से बता दूँ हमें भूख लगेगी, हम खाएंगे और फिर से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी हो जाएगा। जैसा कि पहले जब मुझे भूख लगती थी ना रात में, मैं बहुत ढेर सारी नमकीन खा लिया करती थी। जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि आपका डाइट प्लान क्या है, आप किस तरीके का खाना खाते हो। तो डाइट प्लान से अलग मैं आपको बताती हूँ डाइट पैटर्न के बारे में। मैंने लास्ट ईयर भी जब अपना वेट लॉस किया था तो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो मेरा डाइट पैटर्न है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहता है, मुझे उससे बहुत फायदा होता है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ का फायदा तब होता है जब हम उसे रेगुलर वे में करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमें एक फास्टिंग विंडो बनानी पड़ती है जिसमें हमें कुछ नहीं खाना है, और एक बनानी पड़ती है ईटिंग विंडो जिसमें हम कुछ खा सकते हैं। तो शुरुआत में क्या होती है, हमारी फास्टिंग विंडो जो होती है वो छोटी होती है और हमारी ईटिंग विंडो बड़ी होती है। विंडो का मतलब टाइम ड्यूरेशन। तो जो हमारी फास्टिंग विंडो होती है वो जो है थोड़ी छोटी होती है, ईटिंग विंडो ज़्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे जो खाने वाला टाइम होता है ये तो होता चला जाता है कम, और जो भूखे रहने वाला टाइम होता है यानी जो बिल्कुल फास्टिंग विंडो होती है वो बड़ी होती चली जाती है। लेकिन इसके ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब जो आपकी बॉडी पे वर्क करता है आप उसको करो। बस मेरा यही पैटर्न रहता है। इसके अलावा खाने का तो मैं आपको इस वीडियो में लगातार बता ही रही हूँ कि खाने का रोल क्या रहता है। वजन घटाना कहीं से भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी और वजन घट जाएगा। हमें ना ये चीज दिमाग से शुरू करनी पड़ती है। यानी अगर वजन घटाना है तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज बिठाइए कि हमको वजन घटाना है, और बहुत आराम से आपका जो वेट है, एक्सेस वेट है, वो कम होगा। और ये जरूरी इसलिए है कि हम हेल्दी रहें हमारी अपनी वेलबींग के लिए। तो इस तरह से मेरा वेट जो है कम हो रहा है, और अब तक मैंने जो है 6 kg से थोड़ा सा ऊपर, मतलब एग्जैक्टली तो मुझे ऐसे काउंट नहीं किया, लेकिन 6 kg तो मेरा वेट बिल्कुल कम हो चुका है और बहुत ही हेल्दी वे में। तो इस तरीके से आप भी अपनी एक हेल्थ से रिलेटेड सेल्फ केयर की, अपनी केयर की एक जर्नी स्टार्ट करिए और डेफिनेटली आप उसे अचीव कर लेंगे।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, बिल्कुल मैं पसीने पसीने हो रही हूँ और अपनी एक्सरसाइज के साथ इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी वे है किसी भी वीडियो को एंड करने का। तो आप लोग भी अगर अभी तक नहीं शुरू करी है अपनी हेल्थ से, हेल्थ केयर, सेल्फ केयर और सेल्फ लव की जर्नी, तो उसे स्टार्ट करिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और अभी तो मैं और एक्सरसाइज करूंगी, दिन में नहीं होती है, शाम को करो, रात को करो, जब मन चाहे तब एक्सरसाइज करो, लेकिन वो करनी बहुत जरूरी है। शुरुआत में टफ है लेकिन धीरे धीरे आप इसे अचीव कर लेंगे, ये इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब आप एक ना एक दिन इसे अचीव कर लेंगे, पेशेंस रखिए। आप भी अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।